तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रेफरेंसेस का फॉर्मूला। जी हाँ, रेफरेंसेस की फॉर्मूला इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में। और हमारे साथ अजय जी, देवेंद्र जी, कमलेश यादव जी और संदीप मकवाना जी है, मतलब कि पूरी की पूरी बैच आज कोई छुट्टी पर नहीं है। तो रेफरेंसेस लुकअप दो कैटेगरी का फॉर्मूला कंबाइन है और दोनों एक दूसरे के आपस में ए है, रिलेट करती है। और माफ कीजिएगा, मैंने स्क्रीन नहीं दिया था, अभी मैंने स्क्रीन दे दिया है, आप लोगों की मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो रेफरेंसेस के फॉर्मूले के बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। रेफरेंसेस मतलब कि अगर रेफरेंसेस को डिफाइन करें तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो मैंने कि सेल का एड्रेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड फॉर्मूला। अब उसकी जरूरत आप बता दो, उसकी अकेले कोई उसका यूज नहीं है, बट वो किसी और फॉर्मूले के साथ मिलकर एक अच्छा खासा रोल करता है। इसलिए मैंने बोला कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आपके फॉर्मूला नेस्टिंग में इसका इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले रेफरेंसेस फॉर्मूले में हम आते हैं एड्रेस का फॉर्मूला। एड्रेस का फॉर्मूला क्या करता है पहले देखिए। मान लीजिए कल के आपके डेट में यहां पे 1 है और यहां पे 3 है, मतलब कि रो नंबर 1 एंड 3 नंबर आपका कॉलम नंबर 3। तो मुझे इसका डेटा चाहिए, इसका मुझे डेटा चाहिए, तो इसके लिए मुझे इसका एड्रेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? एड्रेस बनाना पड़ेगा। तो एड्रेस रो नंबर एंड कॉलम नंबर मैंने दे दिया, तो यहां पे एड्रेस C1 आ गया। और C1 की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो C1 पे जो भी वैल्यू लिखेंगे आ जाएगा। तो एड्रेस ने क्या किया, इसके अंदर में जो आप रो नंबर एंड कॉलम नंबर दोगे उसके बिहाफ पे वो आपको उसका एड्रेस बना देगा, A1, B1, C1, D1, जो भी उसका एड्रेस बनेगा। और जो एड्रेस बना है एक्सेल उसको क्या समझ रहा है, एक्सेल समझ रहा है इसको एज ए टेक्स्ट ABCD। कोई भी फॉर्मूला ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि C1 मतलब कि AC1, मतलब कि C1 C नंबर से और 1 नंबर रो, ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसको रिकॉग्नाइज कराने के लिए हमें एड्रेस इनडायरेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला आगे चल के बहुत सारे जगहों पर खासकर एरे वगैरह भी इस्तेमाल होगा, इसलिए ध्यान से इसको समझिए। इसका काम बस इतना ही है कि जो एड्रेस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, फॉर्मूला उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, उसको वो रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट में किस तरह, ये तो समझ गए लेकिन मैं ये नहीं समझा पा रहा हूं आपको कि आपकी ऑफिशियल लाइफ में इसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो चलिए आपके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहां पे नेम है, नेम में मैंने यहां पे अपने नेम दे दिए, एक छोटा सा मेरे पास समरी टेबल आया हुआ है। और यहां पे मंथ, ठीक है, और मैं यहां पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूं और इसको फिल कर देता हूं। कॉपी एंड इसमें हमने पेस्ट कर दिया। तो अब मुझे दूसरे जगहों पे, ये दोनों ठीक है, लेकिन मुझे दूसरे जगहों पे मुझे क्या चाहिए, कुछ चाहिए बताता हूं। चलिए अब मुझे यहां पे मान लीजिए कि एक ही नाम लेता हूं, बाकी आप बाकी लोग आप अपना नाम ले लीजिएगा, पुनीत मान लीजिए, मैं नेम डाल दिया पुनीत। अब मुझे यहां पे Q1 की सेल चाहिए, किसकी सेल चाहिए, Q1।
बट प्रॉब्लम इज दैट कि क्वार्टर वन की सम कैसे करें, क्योंकि क्वार्टर वन में जनवरी मार्च दोनों है और यहाँ पे वन के बाद टू थ्री भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे मैं ऊपर क्यू लिख देता हूँ और यहाँ पे जो है वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है और थ्री भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से डायनेमिक करना है कि वन लिखे तो क्वार्टर वन की एंड टू लिखे तो क्वार्टर टू की सेल होनी चाहिए। समझिए सर, चलिए अब इसके लिए कुछ करते हैं। तो मुझे क्या करना है यहां पे, देखिए मैंने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई बाय थ्री और माइनस टू कर दिया और इसको कर दिया मंथ, नहीं मेरी माफ कीजिएगा, इसको कर दिया डेट। डेट का फॉर्मूला याद होगा, डेट ईयर 2017 कॉमा ए और फिर इसके अंदर कर दी मैंने टेक्स्ट लगा दिया टेक्स्ट और यहां पे डी 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 एम एम कर दीजिएगा एम 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 एम, समझ गए। तो जैन आ गया, फिर आगे जैन आ गया ना, फिर मैं क्या करता हूं इसमें करता हूं मैच का फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला क्या होता है, लुकअप का फॉर्मूला होता है, वो किसी भी सेल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ढूंढता है और बताता है कि उसका रो या कॉलम क्या है। तो मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लगाया है, इसने बताया कि जैन जो है दूसरे नंबर कॉलम पे है, तो हमें दूसरा नंबर कॉलम पता चल गया, राइट। देन वापस हम अगेन मैच लगाएंगे किसके लिए, पुनीत के लिए। हमने जो बताया कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चलता है, तो ये पुनीत का रो नंबर बता देगा। मतलब जो जो डेटा मुझे चाहिए क्वार्टर वन की वो स्टार्टिंग है टू से, दूसरे नंबर कॉलम एंड दूसरे नंबर रो से। तो यहां पे हम एड्रेस बनाएंगे, एड्रेस में रो नंबर एंड कॉलम नंबर मैंने डाल दिया, तो स्टार्टिंग है आ गया। फिर अगेन एड्रेस बनाएंगे और रो नंबर तो वही रहेगा बट कॉलम नंबर में प्लस टू हो जाएगा, मतलब जैन बी टू से लेके डी टू तक की वैल्यू को सम करना है। और फिर हम इसको कॉनकेटेनेट के जरिए कॉनकेटेनेट कर देंगे एक एड्रेस फॉर्मेट में, जो कि फॉर्मूले के अंदर डाला जाता है। फॉर्मूले के अंदर अगर मान लीजिए मैं सम के अंदर डालूंगा तो कुछ इस तरह से एड्रेस कैप्चर करता है ना, बी टू से डी टू, तो ऐसे ही कर दिया। लेकिन सम जो है इसको सम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि सम रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है एक रेफरेंस नहीं है, एक टेक्स्ट है, इसको अभी एबीसीडी के फॉर्मेट में रखा गया है, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो इस आइडेंटिफाई करने के लिए भैया दिस इज नॉट अ नेम, मतलब कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट नहीं है, एक नंबर है, तो उसके लिए हम यहां पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इनडायरेक्ट जो है ये रिकॉग्नाइज करवाएगा कि हाँ। अब इसको देखना चाहते हो कि कैसे रिकॉग्नाइज किया है, तो आप चले जाइए एबुलेट फॉर्मूला एंड यहां पे बी टू से डी टू 106 इज द योर, समझ गए सर। अजय जी, देवेंद्र जी, कमलेश यादव जी एंड संदीप मकवाना जी, एनी डाउट? तो अगले एग्जांपल पर चलें। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि रेफरेंसेस फॉर्मूला सिंगल काम नहीं करती। सिंगल आपका ऐसा फॉर्मूला है कि यार ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है, इसका क्या यूज करेंगे हम लाइफ में। लेकिन जब किसी और फॉर्मूले के साथ ये मिलता है तो एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं हम अगली इसके साथ। तो नेक्स्ट जो इसमें है वो क्या है, इसमें नेक्स्ट आता है चूज का फॉर्मूला।
चूज। अब जैसे क्या हुआ कि मेरे पास कुछ नंबर है सीक्वेंस में कि मैं वन, जैसे जैनी निकाला था तो मेरे पास मंथ इस तरह से आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो मैं चाहता हूं कि 1 आए तो जैन, 2 आए तो फैब, 3 आए तो इस तरह से। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग इफ फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक से मैं फोन उठाता हूं। हेलो, हाँ। तो इफ फॉर्मूला इसमें लेंथी हो जाएगा क्योंकि मुझे यहां जैन करना है कि इक्वल टू जैन इक्वल टू फैब इक्वल टू मार्च। इफ फॉर्मूला तो काम बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहां पे मैं देख रहा हूं कि मेरा सिक्वेंसली है, मतलब 1, 2, 3, 5 ऐसे सिक्वेंसली है। अगर आपके पास ऐसे सिक्वेंसली है तो इफ को अवॉइड करें और आप चूज का फॉर्मूला लगाएं, चूज इंडेक्स नंबर, क्योंकि इनपुट इसकी इंडेक्स नंबर होती है तो हर बार इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पर मैं कर देता हूं कि जैन कॉमा फैब, ऐसे आप जो है डालते चले जाए जो भी आपका है। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू। तो इसमें फायदा क्या हुआ कि इफ में क्या होता है, आपको कंडीशन, एक कंडीशन फिर टेक्स्ट रिजल्ट फिर सेकेंड इफ कंडीशन रिजल्ट, ऐसे लंबी तरीके से डालना होता है। यहां पे जस्ट आपने इंडेक्स नंबर दे दिया एंड रिजल्ट्स दे दिया, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि आपका थोड़ा सा लंबी कम हुआ। लेकिन इसकी एक क्या बोलते हैं वीकनेस क्या है कि सिर्फ एक आपकी इनपुट अगर सिक्वेंसली है उसी पे चलेगा, क्योंकि अगर यहां पे 1 हुआ तो जैन को शो करेगा, अगर यहां पे 2 हुआ तो फैब को शो करेगा, अगर यहां पे 3 हुआ तो मार्च को शो करेगा। इस तरह से चलता है। तो अजय जी, देवेंद्र जी, हाँ सिक्वेंसली लेगा सर। सिक्वेंसली के अंदर स्टार्टिंग जो है 1 से होना चाहिए, राइट? हाँ, ओके, ठीक है। अब हमारे पास एक रो का फॉर्मूला है, एक कॉलम का फॉर्मूला है। तो रो का फॉर्मूला का तरीका क्या है कि अगर मैंने कहीं पे लगाया और मैंने किसी का रेफरेंस नहीं दिया तो उस सेल की रो नंबर आ जाएगा। अगर मैं किसी के रेफरेंस दू तो फिर उस जगह का रेफरेंस आएगा। तो इसका यूज हम लोग सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए लगाते हैं कि एक ऑटोमेटिक सीरियल नंबर कि रो और इसके अंदर रो हुआ, हमने रो कहां लगाया हुआ है 14 नंबर पे, इसको -13 कर देंगे। तो इसको नीचे ड्रैग कीजिए तो ये 1, 2, 3, 4 की नेक्स्ट सिक्वेंस ले जाएगा। किसी फॉर्मूले में इसकी जरूरत पड़ती है तो हम इसका सपोर्ट ले लेते हैं। सेम हमारे पास कॉलम का फॉर्मूला, तो कॉलन फॉर्मूला भी सेम करता है कि अगर मैंने कोई रेफरेंस इसके अंदर नहीं दिया तो जिस कॉलन में है उस कॉलन का रिजल्ट दे देता है। अगर मैंने किसी इस कॉलन फॉर्मूले में किसी का रेफरेंस ले लिया तो फिर वो उस पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस हो करता है। ठीक है, क्लियर है? तो रो एंड कॉलम। अब दो फॉर्मूले और होते हैं इसी से रिलेटेड, रोज। रोज क्या करता है कि इसके अंदर में जितने भी एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर में कितने रो है उसका काउंट आपको देगा। एंड कॉलम्स क्या करता है कि जितना एक कॉलम आपने सेलेक्ट किया है और उसमें जितने भी कॉलम्स है वो कॉलम्स हो करेगा। तो रोज एंड कॉलम्स इसका इस्तेमाल हम लोग एरे में करते हैं। आगे चल के आपको जब एरे का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो इसको आप एरे में इसका यूज देखिएगा। एक आता है फॉर्मूला टेक्स्ट, आपको ये शो करना है कि किसमें क्या फॉर्मूला लगा है तो फॉर्मूला टेक्स्ट दे दीजिए, वो बता देगा कि उस पर्टिकुलर सेल में क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइपरलिंक। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि www आप कोई वेबसाइट लिंक लेते हैं .com तो एंटर मारते उस पर लिंक आ जाता है। यहां पे देखिए लिंक नहीं है क्योंकि मैंने इसको डिसेबल कर रखा है। लेकिन अगर आपने इसको डिसेबल कर रखा है लेकिन आपको लिंक चाहिए, डिसेबल कहां से करता है पता ना आपको सर? यहां ऑप्शन में होता है,
या प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट और यहां ये देखिए इसको चेक है अनचेक कर दिया मैंने इसको। अब मुझे वापस में लिंक्स लगाना है तो इसके लिए हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइपर लिंक सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं होता है, इसको हम लोग माउस इवेंट के लिए भी आगे वीवीएम इस्तेमाल करते हैं। आइए जब हम आपको माउस इवेंट पढ़ाएंगे तो हम वीवीएम इसका इस्तेमाल करके बताएंगे आपको, ठीक है सर। और नेक्स्ट चलिए लुकअप रेफरेंस में, नेक्स्ट हमारे पास इनडायरेक्ट बता दिया, इंडेक्स में कल बताऊंगा, लुकअप कल बताऊंगा, मैच बता दिया मैंने, ऑफसेट कल बताऊंगा, रो रोज हो गया, आरटीडी इसमें वर्क नहीं करता है, ट्रांसपोज, चलिए ट्रांसपोज की फॉर्मूला है वो देखिए। तो जैसे कि मैंने यहां पे दे दिया मंथ और यहां दे दिया सेल्स, जैन मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरह से मैं यहां लिख देता हूं उसको और यहां पे इसके सेल्स दे देता हूं। और मैं यहां पे इसको अभी क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं ना यहाँ पे यार ट्रांसपोज। पर ट्रांसपोज करते ही इसका ये नहीं होता है, मतलब कि इससे ये लिंक नहीं होता, मुझे इससे इसको लिंक करना है। मुझे क्या करना है, इससे लिंक करना है, तो इससे लिंक हो। तो लिंक कैसे करें, तो लिंक के लिए हम ट्रांसपोज फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोज और हम इसको सिलेक्ट करें और एक क्या है, एक दो तीन चार पांच छह सात इस तरह चलता है, यहां हो जाएगा एक, जितने रो उतने कॉलर और जितने कॉलर उतने रो यहां देना। और फिर F2 प्लेस किया एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, लिंक हो गया। अब यहां पे जो भी चेंज कीजिएगा आपका चेंज। तो मैं दोबारा बताता हूं कैसे करना है कि आप पहले इक्वल करके ट्रांसपोज फॉर्मूले में पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लें, फिर आप काउंट करें कितने कॉलर और कितने रो है। तो दो रो और छह कॉलर, तो दो कॉलर एंड छह रो लेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, और फिर F2 प्रेस करेंगे ताकि मेरा एक ट्रांसपोज का फॉर्मूला हाईलाइट हो जाए। और फिर नॉर्मल एंटर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करें, आपका डेटा आ जाएगा। क्योंकि ये एरे कंसेप्ट है इसलिए हमें इस तरह का चीजें देना पड़ता है, समझिए सर। कोई डाउट सर इसमें, तो रेफरेंसेस फॉर्मूले में इतना ही है, अब इसकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में जैसे मैंने आपको एड्रेस का कंसेप्ट बताया, इस पे इसको आप अच्छे तरीके से कोई और अनदर कंसेप्ट खोजो, इनडायरेक्ट के और यूज आप एनालाइज करो, क्योंकि बताया इनडायरेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और बाकी फॉर्मूले लुकअप वीलुकअप वगैरह मैं आपको कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है इसके लिए टाइम चाहिए होगा। चूज है, इस पे आप प्रैक्टिस करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसमें यूज होता है। तो एक बार आप देख लो फॉर्मूले को, ठीक है सर। सुरीति कल